रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से गाइस यहां पे बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहां पे सामने निकल कर आ रही है, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहां पे दो खिलाड़ियों की ट्रेड के पीछे यहां पे भाग रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से रिपोर्ट ऐसे निकल कर आ रही है, तो किस कौन सी वो दो खिलाड़ी है एंड कौन किसके साथ कॉन्टेक्ट कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो किस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ध्यान से ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे दो खिलाड़ियों के पीछे यहाँ पे भाग रही है। तो किस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में, तो किस सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के डेविड मिलर। जी हाँ, कहीं पे डेविड मिलर के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चाहती है कि डेविड मिलर गाइस उनके टीम में आ जाए, और 2021 का आईपीएल यहाँ पे डेविड मिलर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेले, क्योंकि कई सब डेविड मिलर को लेकर गाइस ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चाहते हैं कि डेविड मिलर यहाँ पे आ जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में। लेकिन गाइस पहले जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी जहां पे बोला गया था अगर ये ट्रेड होती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ट्रेड करना चाहते हैं डेविड मिलर को, यानी कि अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो गाइस उनको एक अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर डिमांड करती है बड़ा डिमांड तो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी डेविड मिलर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में आएंगे, या फिर जितना पैसा यहाँ पे मांगेगी उतना पैसा देना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को उतना पैसा देना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को, तभी एक गाइस ट्रेड पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर यहाँ पे पैसे के बदले खिलाड़ी मांगते, खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी मांगते, तो उनको वो खिलाड़ी देना पड़ेगा, तभी ये ट्रेड जो कि सक्सेसफुल होगा। लेकिन गाइस रिपोर्ट्स ऐसी अभी निकल कर आ रही कि यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में है और ट्रेड करना चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम राजस्थान रॉयल्स के डेविड मिलर को। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है कि अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी डेविड मिलर के आ जाने से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के अजिंक्य रहाणे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे की तरफ से भी रिपोर्ट है कि अजिंक्य रहाणे गाइस यहाँ पे 2021 के आईपीएल में आप सभी को दूसरे टीम में नजर आने वाले, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में उनको इतना मौका नहीं मिल रहा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम गाइस उनको रिलीज करने वाली है 2021 के आईपीएल के लिए, और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चाहती है कि ऑक्शन से पहले उनको अपने टीम में इंक्लूड कर ले, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मिडिल ऑर्डर पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि डेविड मिलर को टारगेट कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे को टारगेट कर रहे हैं, और ये दो खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में काम करते हैं। और अभी रिपोर्ट ऐसे निकल कर आ रही है कि डेविड मिलर को और अजिंक्य रहाणे को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे ट्रेड करने वाली है, और ट्रेड की रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के अजिंक्य रहाणे को और राजस्थान रॉयल्स की यहाँ पे डेविड मिलर को दोनों खिलाड़ी को ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे कहानी वही होगा कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ा डिमांड करेगी और अगर उनको चाहिए सही में अजिंक्य रहाणे तो उनके डिमांड को कम्प्लीट करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेड सक्सेसफुल होगा। और अगर गाइस यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम खिलाड़ी के बदले पैसा मांगती है तो जितना पैसा मांगेगी उतना पैसा उनको देना पड़ेगा, तभी गाइस ये ट्रेड जो कि सक्सेसफुल होगा। ट्रेड का यही नियम है, अगर खिलाड़ी के बदले अगर आप लोग खिलाड़ी चाहते हो तो जो खिलाड़ी को वो मांग करेंगे वो खिलाड़ी आप सभी को देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे पैसे का डिमांड करेंगे तो जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा आप सभी को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से यही रिपोर्ट ऐसे निकल कर आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम राजस्थान रॉयल्स के डेविड मिलर और दिल्ली कैपिटल्स के अजिंक्य रहाणे के पीछे भाग रही है, ट्रेड करना चाहती है इन दोनों खिलाड़ियों को। अगर आगे कोई भी रिपोर्ट ऐसे निकल कर आती है तो गाइस मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो क्या आप लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो या नहीं, तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो ये न्यूज अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।